नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम परमजीत और आपका रीड गैदरेट चैनल पे स्वागत करता हूं। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करें। इस चैनल पे मैं हिंदी, पंजाबी, इंग्लिश तीन लैंग्वेज की बुक्स का रिव्यू करता हूं। खास बात इस चैनल की यह है कि इस पर मैं नई प्रकाशित बुक्स या नए लेखकों की बुक्स का रिव्यू करता हूं, क्योंकि जो फेमस बुक्स होती हैं उनका आपको आसानी से पता चल जाता है कि ये किताब खरीदनी है या नहीं। जो नई किताबें होती हैं या नए लेखक होते हैं तो उनको खरीदने में आपको थोड़ी दिक्कत आती है, क्योंकि उनकी लेखनी के बारे में आपको पता नहीं होता। तो इसी दुविधा को दूर करने के लिए मैंने यह चैनल बनाया है, तो कृपया आप जरूर इस चैनल को सपोर्ट करें। तो आज इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं एक हिंदी कविता संग्रह की, जिसका नाम है मेरी लेखनी कुछ सीधी खरी। लेखिका है डॉक्टर वंदना सिंह। ये किंडल पे प्रकाशित है और इसके पेज है 78 और इस पे एक ऑफर लगा हुआ है। अगर आप 9 अप्रैल तक इसको खरीदोगे तो आपको फ्री मिलेगी, अगर आप उसको बाद खरीदोगे तो इस किताब की कीमत है सिर्फ 50 रुपये। किताब में 40 से ज्यादा कविताएं हैं। लेखिका ने जो महसूस किया है उन्हीं विचारों को शब्दों के रूप में कविता में रूप प्रदान किया है। लेखिका ने स्त्री से जुड़े हुए किरदारों को प्रभाषित किया है, भ्रष्टाचार पे लिखा है, देशभक्ति पे लिखा है, विकलांगता पे लिखा हुआ है, प्यार पे लिखा हुआ है, दूरी पे लिखा हुआ है, दुख पे लिखा हुआ है। तो ऐसे बहुत से जो कोमल से मुद्दे हैं जो हर एक व्यक्ति से जुड़े हुए होते हैं, उन चीजों को लेखिका ने अपने कविता में पेश किया है। पूरी किताब में से कुछ कविताओं मैं आपको सुनाता हूं, उनकी चार चार लाइनें, जिससे आपको अंदाजा लग जाएगा कि इसमें लेखिका कितनी पास हुई है जो उनकी लेखनी है। पहली कविता है क्या लिखूं। हर एक कवि या कवित्री के मन में लिखने के प्रति उठ रहे सवाल, जिनका जवाब कवित्री बहुत अच्छा देती है, वह लिखती है क्या लिखूं, क्यों लिखूं। किसी ने कहा बड़े दिनों से लेखनी से दूर हो, मुझे नहीं आता वो लिखना जो फैशन में हो, हमेशा वो कहना जो तुम सुनना चाहते हो। पर एक बात ध्यान रखना, भले ही मेरी आंखों में तरावट हो, भले ही मेरी आंखों में तरावट हो, पर लेखनी में बनावट नहीं मिलेगी। खरा सुनने और कहने का साहस रखती हूं दिल में, खरा सुनने और कहने का साहस रखती हूं दिल में, मेरी बातों में भी जनाब आपको सजावट नहीं मिलेगी, मेरी बातों में भी जनाब आपको सजावट नहीं मिलेगी। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया है कि कवित्री ने अपने बेटे पे भी कुछ कविताएं लिखी हैं जो हर एक माँ के भावना को व्यक्त करती हैं। लेखिका कहती है, तुम कहते हो शैतान है वो, तुम कहते हो शैतान है वो, मैं कहती हूँ नदान है। हर दौड़ में जब सब भाग रहे हैं, हर दौड़ में जब सब भाग रहे हैं, वो है खड़ा अलग दौड़ से, दुनियादारी से अनजान है। ऐसे ही एक और कविता है तमगे कविता। तो इसमें लेखिका ने बताया है कि जब माँ किसी दूसरे के बच्चों को देखती है कि वो कितने ट्रॉफियां लेकर आते हैं, उनका बिहेवियर कितना अच्छा है, तो उसको तकलीफ होती है। लेकिन बाद में जब उनका बच्चा वो चीज करने लगता है लेकिन दूरियां बन जाती है, तो उसको वो चीज रियलाइज होती है। तो लेखिका ने उस भाव को बहुत ही अच्छे तरीके से लिखा है। देखती थी रोज औरों के बच्चों को चमचमाती ट्रॉफियों और दमकते चेहरों के साथ, देखती थी रोज औरों के बच्चों को चमचमाती ट्रॉफियां और चमकते चेहरों के साथ, सोचती थी कब मेरा बेटा भी कुछ बड़ा काम करेगा। उपलब्धियों के फेर में ये माँ कठोर हो गई और गलतियां हमसे घोर हो गई, उस खिलखिलाते चेहरे से जैसे हंसी चली गई, उस खिलखिलाते चेहरे से जैसे हंसी चली गई, उम्मीदों के जोर से उसकी गर्दन कसी गई, उम्मीदों के जोर से उसकी गर्दन कसी गई, हुआ मुझे एहसास अब मुझको केवल उसकी हंसी चाहिए, हुआ मुझको एहसास अब मुझको केवल उसकी हंसी चाहिए, नहीं चाहिए कोई तमगे केवल उसकी खुशी चाहिए, नहीं चाहिए कोई तमगे केवल उसकी खुशी चाहिए। कवित्री किरदार के बारे में लिखती है, किरदार एक है मेरा जवान भी एक ही है, किरदार एक है मेरा जवान भी एक ही है, ना किरदार बदलती हूं ना जवान से फिरती हूं। ऐसे ही चोट पे लिखा है कि हम चोट से क्या क्या सीखते हैं।
लगी जब भी चोट जीना सिखा गई, लगी जब भी चोट जीना सिखा गई, मुश्किलों में रखना हौसला आंसुओं को पीना सिखा गई, मुश्किलों में रखना हौसला आंसुओं को पीना सिखा गई। और विकलांग का मजाक उड़ाने वालों पर खूब तंज कसा है। वह लिखती है, बेटा है वह किसी का, बेटा है वह किसी का, किसी के दिल की धड़कन है, कुदरत की खूबसूरत देन है, विकलांगता उसकी पहचान नहीं, क्या उसके दिल में कोई अरमान नहीं, उसकी आंखें देखती है सपना, उसे भी चाहिए कोई अपना, उसे भी चाहिए कोई अपना। एक और कविता है राह, कितना आसान है ना सच से मुंह फेर लेना, कितना आसान है ना भीड़ में शामिल होना, आसान है मरे को मारना, आसान है ताकत के आगे सर झुकाना। पर एक बात कहूं बड़ी अजीब सी, मुझे नहीं आता ये सब, क्या करूं, तुम ही ने सिखाया था मुझे वो सब जो कठिन है। इसी तरह अगली कविता है दूरी, जिसमें लेखिका लिखती है जब उनका पति दूर जाता है तो उस दूरी को वह सकारात्मक लेती है, लेकिन अंत में वह बताती है, अच्छा संदेश देती है कि यह कोई भी पति का विकल्प नहीं बन सकती। तो वह लिखती है, अच्छा है यूं तुम्हारा कुछ दिनों के लिए दूर चले जाना, अच्छा है तुम्हारा कुछ दिनों के लिए यूं दूर चले जाना, वैसे अकेलापन इतना बुरा भी नहीं जितना मैं मानती थी, अकेले के लिए चाय बनाना और अकेले ही बैठकर पीना, दिन भर न्यूज वाले घर में दिन भर मूवी का चलना, बच्चों की दिन भर चलने वाली बदमाशियों की शिकायत ना करना। तो ऐसे लेखिका ने ये चीज को बयान किया है। इसी तरह लेखिका ने देशभक्ति के ऊपर, भ्रष्टाचार के ऊपर और विकलांगता के ऊपर, जैसे मैंने आपको एक कविता बताई है, तो इस तरह की ये सारी ही कविताएं हैं। तो मुझे ये किताब बहुत ज़्यादा पसंद आई। अगर इस किताब की रेटिंग की बात करूँ तो इस किताब को मैं 4 out of 5 में से रेटिंग दूंगा। तो मुझे ये किताब पसंद आई, उम्मीद है आपको ये वीडियो और ये आपको किताब भी पसंद आएगी। तो दोबारा आपको बताना चाहूँगा कि 9 तारीख तक आप किंडल पे इसको फ्री ले सकते हो, फ्री खरीद सकते हो, और उसके बाद मात्र ये 50 रुपये की किताब है। तो इस वीडियो में दोस्तों इतना ही, मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और किताब के रिव्यू के साथ। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।